यातायात पुलिस ने स्टैचू चौराहे से वाहनों को हटवाया, पार्किंग में किया शिफ्ट, चालकों को पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने की दी गई हिदायत। काफी समय बाद यातायात पुलिस ने शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक स्टैचू चौराहे से दो पहिया और चार पहिया वाहनों को हटाकर नई पार्किंग में शिफ्ट कर दिया है। हम आपको बता दें कि स्टैचू चौराहे से सब्जी मंडी जाने वाले लोग चौराहे में वाहन खड़ा करते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है, जिसे लेकर नगर निगम के द्वारा प्रकाश चौराहे में नई पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसका उपयोग लोग निःशुल्क कर पाएंगे। पहले दिन यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चालकों को हिदायत देकर नई पार्किंग में शिफ्ट किया गया, लेकिन आगामी दिनों में पार्किंग में वाहन ना खड़ा करने वालों पर पुलिस के द्वारा चलानी कार्यवाही भी की जाएगी। ये जैसे पहले देखा जाता था कि गोला चौराहा से प्रकाश चौराहा, लगनानी चौराहा तक काफ़ी ट्रैफिक की समस्या आती थी, केले ऑटो मोटरसाइकिल खासतौर पर जो समस्या यहाँ पर है वो मोटरसाइकिल के रोड में पार्किंग की समस्या है। तो अब पार्किंग की जो समस्या थी वो दूर हो गई है और पार्किंग प्रकाश चौराहा में उपलब्ध है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग कंप्लाइंस में ला रहे हैं कि लोगों को पता चले कि पार्किंग है यहाँ पर और गाड़ियाँ अपनी पार्किंग स्थल में पार्क। अभियान कब तक चलेगा? ये सतत चलेगा जब तक लोग अवेयर नहीं हो जाते और पब्लिक के बारे में जागरूक नहीं हो जाती और जो रोड है वो खाली रहना नहीं शुरू हो जाती तब तक ये अभियान, इसे अभियान के तौर पे ना देखा जाए, ये ड्यूटी के में शामिल हो चुका है और यहाँ पे लगातार फोर्स ऑफ पॉइंट भी रहेंगे, ट्रैफिक वाले भी रहेंगे और ये सतत मतलब ट्रैफिक के काम में शामिल हो चुका है। तो ये कोई अभियान नहीं है जो थोड़े समय बाद बंद होगा।